हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से। तो फ्रेशन अप होके मेरा सुबह में सबसे पहला काम होता है मेरी थायराइड की टैबलेट खाना। और बहुत सारे लोग मुझे बार बार पूछते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है और मैं 75 mcg की टैबलेट लेती हूँ एवरी मॉर्निंग। तो इसके बाद मैंने रख दिया यहाँ दूध बॉयल होने के लिए, क्योंकि जो दूध है उसका मैं बच्चों के लिए मिल्क शेक बनाने वाली हूँ, तो उसके बाद चाय के लिए दूध नहीं बचने वाला है, इसलिए मैं दूध यहाँ पे अभी ही बॉयल कर दूँगी। तो आज टिफ़िन में मैं बना रही हूँ पनीर सैंडविच। इसकी रिक्वेस्ट भी बहुत बार मुझे आई थी। तो सैंडविच बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में लिया है थोड़ा तेल और डाला है उसमें जीरा, और यहाँ पर मैं चॉप्ड ऑनियंस ऐड कर रही हूँ। और इसके लिए प्याज को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड किया है, इसको थोड़ा सा सौते करना है। और एक बार जिंजर गार्लिक पेस्ट की रॉ स्मेल चली जाएगी, तो इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर। तो ये एक बड़ा सा टमाटर मैंने ले लिया था, और इसी में एक मीडियम साइज़ की ऑनियन भी मैंने जो है क्रश कर ली थी। तो थोड़ी देर के लिए इसे मैंने पका लिया है कि टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और अब आगे के मसाले इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ। तो मसालों में मैंने लिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। जो पनीर होता है उसमें कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला। आप ऐड करके देखिएगा, पनीर भुर्जी में बहुत अच्छा टेस्ट देता है पाव भाजी मसाला। थोड़ा सा नमक मैंने ले लिया है, और बस इसको एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद एक दो मिनट में इसे भून लूँगी, जिससे कि जो सारे पाउडर्ड मसाले हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाएं। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाता है तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और तेल भी छोड़ देता है। तो मसाला भुन जाने के बाद मैंने यहाँ पे पनीर लिया है। आप चाहें तो पनीर को ग्रेट कर सकते हो, पर मैं इस तरह रफली हाथ से ही तोड़ रही हूँ। तो पनीर को थोड़ा सा मैश करते हुए और प्रेस करते हुए मैं मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी, इसको भी थोड़ी देर अच्छे से कुक कर लूँगी। और कभी भी पनीर को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ वो अपनी जो सॉफ्टनेस होता है उसको लूज़ कर देता है और एकदम चूई बन जाता है। तो बस मैं इसको अच्छे से मिक्स करते हुए 1-1.5 मिनट के लिए पका लूँगी। और ये जो पनीर भुर्जी है ये मैं सैंडविच में फिल करने वाली हूँ। आप इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं, एज इट इज़ पराठे के साथ लंच बॉक्स में भी दिया जा सकता है, पर सैंडविच वगैरह बच्चे ज़्यादा प्यार से खा लेते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चिकू मिल्क शेक। तो मैंने ये 3-4 चिकू ले लिए थे, और उनके स्वाद के हिसाब से मतलब स्वीटनेस एडजस्ट करते हुए मैंने यहाँ पे चीनी ले लिया है। और आप में से बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप हल्दी वाला दूध तो सर्दियों में देते हो बच्चों को, तो गर्मियों में क्या देना चाहिए? तो गर्मियों में मैं बच्चों को इस तरह से मिल्क शेक्स या स्मूदीज़ वगैरह दे देती हूँ, वो थोड़े ज़्यादा हेल्दी भी रहते हैं, फिलिंग भी रहते हैं, और गर्मी में ठंडा ठंडा खाने का थोड़ा अच्छा मन लगता है, तो बच्चे आसानी से पी भी लेते हैं। तो जब भी आप किसी फ्रूट का मिल्क शेक बनाते हैं तो कच्चा कच्चा फ्रूट नहीं लीजिए, अच्छे से राइप ही फ्रूट लेना चाहिए। ऐड किया है मैंने इसमें एकदम चिल्ड दूध, और आप चाहे तो इसमें आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हो। मैं अभी इस वक्त आइसक्रीम नहीं ऐड कर रही हूँ। बस चीकू मिल्क शेक हो गया रेडी, और मैं बच्चों को सर्व करूंगी, और बहुत टेस्टी बनता है ये वाला मिल्क शेक। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, आपके बच्चों को भी पसंद आने वाला है। और समर्स वैसे भी सीज़न मिल्क शेक और आइसक्रीम्स का ही होता है,
तो लस्सी मिल्क शेक किसी भी टाइम मिले अच्छा ही लगता है। तो फाइनली मैं अभी सैंडविच प्रिपेयर करने लगी हूँ, और क्योंकि मुझे ये सैंडविच बच्चों के टिफ़िन के लिए देना था इसलिए मैं छोटे वाले ब्रेड लेकर आई हूँ। अदरवाइज़ मैं यूजुअली सैंडविच के लिए जो सैंडविच ब्रेड होता है वो लाती हूँ, पर फिर वो बच्चों के टिफ़िन में अच्छे से सिट नहीं हो पाता है, तो फिर उसको काट काट के रखना पड़ता है जिससे जो फिलिंग होती है वो गिर जाती है। तो इस तरह का जो छोटा ब्रेड वाला जो स्लाइस होता है उससे उसके सैंडविचेस टिफ़िन में डालने के लिए अच्छे रहते हैं। तो बस मैं बटर लगा के दोनों तरफ से इसको सेक लूँगी। और इस पर्टिकुलर दिन सानवी कृषि के स्कूल में कुछ टीचर सेमिनार समथिंग था, तो इसके लिए मैंने उनको ऐसा थोड़ा लाइट सा खाना दे दिया है क्योंकि वो थोड़ा जल्दी ही आ जाने वाले थे। और यहाँ पे मैं बच्चों का टिफ़िन पैक कर रही थी और मैंने कैमरे की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और उसका बैटरी लो हो गया और मैं इधर काम करने में बिज़ी थी और उधर जो क्लिपिंग है वो बनना बंद हो गई, इसलिए आप लोग बच्चों का टिफ़िन मैंने कैसे पैक किया वो क्लिप नहीं देख पाएंगे। तो बेबीज़ को बस स्टॉप तक ड्रॉप करके आने के बाद मैं बना रही हूँ मेरे हस्बैंड और मेरे लिए चाय, और हम लोगों ने भी नाश्ते में सैंडविच ही लिया था। और चाय नाश्ते से फ्री होने के बाद मैं वापस आ गई हूँ किचन में। मैं फटाफट से लंच अभी बना के रख देना चाहती हूँ जिससे मैं दोपहर में आज फ्री रहूँ। बच्चे क्योंकि थोड़ा सा जल्दी भी आ जाएंगे तो मैं नहीं चाहती एकदम बिजी हो जाऊँ मैं दोपहर में, तो मैं कुकिंग शुरू करूँ। उससे पहले जो सैंडविच मेकर है मेरा इसे क्लीन करके रख दूँगी। मैं वैसे भी सैंडविचेस बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं बनाती हूँ तो इसलिए और भी ज़रूरी है कि मैं इसे एकदम थॉरली क्लीन करके रखूँ, अदरवाइज़ जो ऑयल एक्चुअली जो फैट इसमें यूज़ किया गया है, मेरे केस में मैंने बटर यूज़ किया था, पर जो सब्ज़ी का भी ऑयल है वो सब थोड़ा भी रहे तो एक अजीब सी स्मेल देता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि इन सब चीज़ों को साफ़ करके रखा जाए। तो बस अभी फटाफट से मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, दोनों सब्जियाँ अभी बना के रख दूँगी और जो रोटी राइस करना है वो मैं दोपहर में कर दूँगी। तो कढ़ाई में मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल और डाला है मैंने अजवाइन और हींग, और यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्ची और जिंजर मैंने जुलियन काट के डाला था। मैं बना रही हूँ आलू गवार बीन्स की सब्ज़ी। तो बस सीधे मैंने जो आलू और गवार बीन्स थे उन्हें साफ़ करके पहले से चॉप करके धो के रख लिया था। ये ऐड किया है मैंने कढ़ाई के अंदर और ऐड किया है थोड़ा सा नमक, और मैं इसे एकदम क्विक फ्राई टाइप्स बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डालूँगी। मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी यहाँ पे, और मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो किसी ने मुझे लिखा था कि आप बहुत प्याज यूज़ करते हो, बिना प्याज की सब्ज़ी बनाइए। तो अगर आप मेरे जो चैनल है उसे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे मैं बहुत सारी सब्ज़ी बिना प्याज की भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकर में डाला है तेल और उसके अंदर वापस अजवाइन और हींग और बहुत थोड़ा लगभग एक चम्मच ही तेल मैंने यहाँ पर लिया है, क्योंकि मैं बना रही हूँ यहाँ पे तोरी और तोरी के लिए बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है जैसा मैं बनाती हूँ। तो ये तोरी भी मैंने साफ़ करके रख लिया था काट कर धोकर,
तो ये मैंने ऐड किया है सीधे तेल में। तोरी की सब्जी में ऊपर से मसाले लगाए जाते हैं, पर तोरी कई तरीक़ों से बनती है। इस तरह जब आप बेसिक बनाते हैं तो ऊपर से मसाले डाले जाते हैं। तो तोरी में मैंने डाला है बहुत थोड़ा सा मिर्ची और हल्दी का पाउडर और बहुत ही थोड़ा सा धनिया का पाउडर, और ये बहुत ईजी और बेसिक सी तोरी है। यहाँ मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, तो बहुत लोगों को पसंद ना आए हो सकता है, पर मेरे घर में ये फेवरेट है। मैं इसको थोड़ा सा रस्से वाला बनाती हूँ और इसमें ढेर सारा नींबू और धनिया डाल के फिर रोटी के साथ हम लोग इसे रोटी चूर चूर करके खाते हैं ना ग्रेवी में, उस तरह खाते हैं। बहुत अच्छी लगती है, एकदम माइल्ड होती है ये सब्ज़ी। तो थोड़ा सा अदरक भी मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है, और आपको लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि तोरी में अपना भी पानी होता है, पर जैसे मैंने आपको बताया है ये सब्ज़ी एकदम रसे वाली सूपी बनेगी और बहुत हल्की सब्ज़ी होती है। तो इधर 5-7 मिनट कुक करने के बाद मैंने ऐड किया है इसमें धनिया का पाउडर, और इसे एक अच्छा सा मिक्स दे दूँगी क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड की थी, तो लाल मिर्ची मैं ऐड नहीं करने वाली हूँ। और बस इस सब्ज़ी को ऐसे ही मैं थोड़ी देर पकाऊंगी जब तक कि आलू थरली कुक हो जाए। आप देख सकते हैं रोस्टेड इफ़ेक्ट आ गया है बीन्स और आलू के ऊपर। आलू अच्छी तरह से पक भी चुके हैं, बस सब्ज़ी हमारी रेडी है। इसमें मैंने बिल्कुल पानी भी नहीं डाला था, और ये ऐड किया है मैंने फाइनली थोड़ा सा इसमें आमचूर, और मैं इसमें गर्म मसाला नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और बस ऐसे ही तेल में फ्राई की हुई सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें तेल भी नहीं डाला था, पर मैंने पानी नहीं डाला है, तो इसी तरह स्लो फ्लेम पे ये फ्राइड कुक हुई है। बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी सब्ज़ियाँ पराठे के साथ, और इस ये भी बहुत एक अच्छा आइटम है टिफ़िन में देने के लिए। बस ये वाली सब्ज़ी रेडी हो गई है, और इधर तोरी भी रेडी हो गई है। तो मेरे घर में इस तरह की तोरी बहुत अच्छी लगती है। मैं फिर से कह रही हूँ, शायद आपको देखने में अजीब लगेगी कि इतना पानी है, पर इसमें नींबू डालने के बाद ये बहुत टेस्टी लगती है। तो बस मैंने शावर ले लिया था, और आप में से बहुत लोग बोल रहे थे आपने अपना हेयर कट नहीं दिखाया, इसलिए मैं आपको मेरा हेयर कट दिखा रही हूँ। और रही बात हेयर कलर की, तो मैं बस रेगुलर टचअप कराती हूँ, मैं सच कोई कलरिंग नहीं कराती हूँ। तो ये है फ्रंट लुक, तो मैंने शायद लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं हेयर कलर और हेयर कटिंग का अपॉइंटमेंट है, तो इसके लिए आप में से इतने लोग चाहते थे कि मैं दिखाऊं, मैंने नहीं दिखाया था। तो मैं बस बेसिक टचअप कराती हूँ, नो फैंसी कलरिंग। मुझे कॉलेज टाइम से ही ग्रे का इशू है, तो बस उसी के कवरेज के लिए मैं जाती हूँ। और मैंने बाल बांध दिए, बहुत गर्मी लग रही थी। और ये है पर्पल की तरफ से न्यूली लॉन्च्ड क्लीन मास्क शीट, ये उन्होंने मुझे भेजे हैं, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। उन्होंने वैसे तो बहुत सारे लॉन्च किए हैं, पर जो ब्यूटी ब्लॉगर्स होते हैं उन लोग के पास सारे जाते हैं, तो मुझे उन लोगों ने एज गिफ्ट ये 3 भेजे हैं। एक तो पहला है इनमें से कुकुम्बर, और यह है कूलिंग शीट मास्क। दूसरा है लेमन फॉर ब्राइट, और यह है ब्राइटनिंग शीट मास्क। और तीसरा है ये पोमीग्रेनेट, और ये है स्किन डैमेज कंट्रोल शीट मास्क। तो मुझे ये 3 भेजे गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि समर्स में शीट मास्क बहुत ज़रूरी हैं, आपके पास भी होने चाहिए। और ये बहुत, इसकी प्राइस है आप देख सकते हैं, इसकी प्राइस है 99 रुपीज़, बट आई एम वेरी श्योर आप वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको ये काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। तो समर्स में आपके पास ये ज़रूर होने चाहिए। और अभी में से एक में लगाने वाले हैं दिस पोमीग्रेनेट, और आप में से कोई इस बेडशीट का लिंक मांग रहा था, तो इसका लिंक नहीं है मेरे पास, बट ये बेडशीट जो है ये है बॉम्बे डाइंग का, तो आई थिंक आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये बेडशीट बॉम्बे डाइंग का। तो मैं लगाऊंगी शीट मास्क। और इसके बाद मुझे बच्चों को लेने जाना है क्योंकि आज वो स्कूल से जल्दी आ जाने वाले हैं,
तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और ये रेसिपीज़ पसंद आए हैं। अगर आपको ये वीडियो और ये रेसिपीज़ अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हो, ये रेसिपीज़ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आपकी राय मुझसे साझा कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।